हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आईएस चैनल। माय नेम इज़ इमरोज़ और मेरे साथ कैमरे पर है मिस्टर प्रमोद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तीनों कंटीन्यूअस टेंसेस को। जो आपने पीछे जो स्टडी की है, हमने तीन टेंसेस की स्टडी पहले कर चुके हैं, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दो मिनट। देखिए, हमने सबसे पहले स्टडी किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसमें आपने किसमें बात की रहा है से। फिर हमने बात किया किसमें पास्ट कंटीन्यूअस में, जिसमें किसमें बात की थी आपने रहा था से। फिर हमने बात की फ्यूचर कंटीन्यूअस की, जिसमें किसमें बात की थी आपने रहा होगा से। मेनली ये जो आपका वीडियो है, ये तीनों टेंसेस को रिवीजन का वीडियो है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसमें कुछ एग्जांपल अभी आपको दिखाए जाएंगे, उन एग्जांपल को आपको घर पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको याद आ गया होगा कि ईज एमआर का जो इस्तेमाल हम करते हैं कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, और इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रहा था बोलने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस होता है, इसमें हम लोग वाज एंड डब्ल्यू ई आर ई वर का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ भी आईएनजी। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम इस्तेमाल करते हैं विल बी, और किसका इस्तेमाल करते हैं शैल बी का, और इसके साथ भी आईएनजी। तो आप देख रहे होंगे कि वर्ब सभी में आईएनजी लगाए जा रहे हैं। इज एमआर है को रिप्रेजेंट करता है, वाज वर था को, और विल बी शैल बी गागे की को, जिसमें रहा सब में कॉमन है। तो इसके संबंध में वीडियोज़ आपको बताए गए थे। अब जरा मैं यहाँ देखिए एग्जाम्पल को, मैं एक बार इसमें से दिखा दूँ। ये सेट को देखिए, ये थोड़ा धुंधला है लेकिन काम चल जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे गौर करिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग। आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है और आईएनजी फॉर्म लगाई गई है। दूसरा देखिए, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इजंट गोइंग, इज ही गोइंग, इजंट ही गोइंग। आप देख रहे होंगे कि इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म बोला गया इजंट, लेकिन यहाँ एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म नहीं बोला जाता, इसलिए इसको एम आई नॉट भी अलग से लिखा गया है। लेकिन यहाँ देखिए, इज सामने आया, इजंट सामने आया, इसका शॉर्ट नॉट को इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करिए। अच्छा, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर एन गोइंग, आर यू गोइंग, आर एन ची गोइंग। आप देख रहे हैं कि आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ, आर सामने आया, आर एन सामने आया, तो इज नॉट और एम नॉट का, इज नॉट और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, एम नॉट का नहीं होता। ये कंटिन्यूअस टेंस आपने पहले पढ़ लिया है। दूसरा, पास्ट कंटीन्यूअस में मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज एन गोइंग, वॉज आई गोइंग, वॉज एन रे गोइंग, वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ देखिए, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, ही वॉज एन, वॉज ही, वॉज एन टी, शॉर्ट फॉर्म होता है, बता दिया गया है। नेक्स्ट जो है, आप जा रहे थे, यू आर गोइंग, यू वर वर यू वरंट यू गोइंग, वर नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं। फ्यूचर में आते हैं, मैं जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग, आई शांट बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग, शांट आई बी गोइंग। आप देखेंगे कि शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है, इसके पहले भी आप इंडेफिनिट में पढ़े हैं, इसमें सिर्फ बी आप एडिशनल ऐड करते हैं, वो भी नॉट के बाद इस्तेमाल होता है। शैल बस सामने आएगा, बी अपनी जगह पर रहेगा, शांट सामने आएगा, बी अपनी जगह पर रहेगा। उसी तरीके से विल के एग्जाम्पल है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट भी होता है, विल नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया, विल सामने आया, वॉन्ट। अक्सर स्टूडेंट कई बार बी के बाद नॉट लगा देते हैं, ऐसी गलतियों से बचने के लिए जरूरी है कि आपको शॉर्ट फॉर्म मालूम होना चाहिए। आप जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग, यू वोंट बी, विल यू बी, वोंट यू बी, मेनली विल नो विल बी का इस्तेमाल होता है, यू नो वेरी वेल। अब जरा गौर से देखिए तीनों सेंटेंस को एक साथ। मैं जा रहा हूँ, जा रहा था, जा रहा हूँगा, इस प्रकार की बातचीत। वह जा रहा था, जा रहा होगा। आप जा रहे हो, जा रहे थे, जा रहे होंगे, मतलब आपको तीनों टेंस एक साथ करना है। उसके लिए जो आइडियाज़ दिए गए हैं, पहले उसको देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। ये है आपका हेडलाइन नंबर वन, इसमें फाइव एग्जांपल आर गिवन हियर। मैं खा रहा हूँ, खा रहा था, खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँ, सो रहा था, तीनों टेंसेज एक साथ दिए गए हैं। इसको कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बता देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सब एग्जाम्पल देखिए गौर से, इसके सब शॉर्ट फॉर्म्स लेते जाइए, सॉरी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, है ना। ये देखिए, नंबर टू है, थ्री है, फोर है, ये पूरे पेपर्स में एग्जांपल्स आर गिवन, बहुत एग्जांपल दिए गए हैं, और इन सब शब्दों अलग अलग है, सुन रहा है, गा रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनके सारे वर्ड मिक्स मैं अभी प्रोवाइड करूँगा आपको, इनकी आंसर शीट। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्टडी करिए, और स्टडी करने के बाद आप जैसा चाहें इसे हार्ड मटेरियल में रखना है तो उसमें रखिए, चाहे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसके बाद देखिए, आई होप कि आपको इतना टाइम मिल गया होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर ये 14 नंबर से चालू हुआ, 14 16 नंबरिंग आजू बाजू आगे पीछे है। आप ध्यान रखिएगा, जब इस पर काम करें तो आप सीरीज़ में काम करें, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 5 में जब ना करें, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 18 नंबर है ये, है ना। 18 नंबर के बाद यहाँ देखेंगे 19 है, 20 21 है, ये सारे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इनके एग्जांपल बहुत सारे दिए गए हैं, या अमूमन आपको मिलेंगे नहीं, आप यहाँ वहाँ ढूंढते रह जाएंगे, इतने एग्जांपल देखने मिलेंगे नहीं। और जो सही में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको इतने स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 28 के बाद यहाँ डिफरेंट एक्सरसाइज चालू हो रहा है, जैसे लड़का गणना कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा। अब गणना करना हो क्या कहते हैं, परेशान करना हो क्या कहते हैं, खेती करना हो क्या कहते हैं, तो लर्नर को ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसके पहले इसके देखिए, जो आंसर शीट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मैं पहले बता दूँ, फिर आपको फाइनली बताऊँगा कि इसको करना क्या है। एंड आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसको बिल्कुल आप
करते रहिए, ज़ुबानी भी बहुत सारे कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं। देखिए जो भी सेट मैंने दिखाया वो सेट नंबर टू था, और ये सेट नंबर टू का ये यहाँ पर से आंसर चालू होता है। देखिए सेट नंबर टू में जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, ये हेडलाइन नंबर वन है। वन में पांच एग्जांपल थे हमारे पास, ईटिंग, स्लीपिंग, क्राइंग एंड वॉशिंग एंड थिंकिंग। तो हमको आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत है, तो ज़रा गौर करिए, यहाँ पर सेट नंबर टू मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से आप इसको फोटो ले लीजिएगा इसका। देखिए ये पहले नंबर का एग्जाम्पल है, हेडलाइन नंबर वन, इसमें पाँच एग्जाम्पल है, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, रो रहा हूँ, धो रहा हूँ और सोच रहा हूँ। इनकी मीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो ये आंसर शीट दे गए। पहले नंबर का सेट नंबर वन में ईटिंग, स्लीपिंग, क्राइंग एंड वॉशिंग एंड थिंकिंग कहते हैं। दूसरा हेडलाइन में अगर आप देखेंगे, देखिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, निगेटिव्स हैं पूरे। इसमें अगर कोई मीनिंग नहीं मालूम है तो इसका आंसर शीट यहाँ दिया गया है। देखिए हेडलाइन नंबर टू, इसमें सिक्स नंबर, सेवन नंबर, एट नंबर है ना, लिसनिंग या हियरिंग भी कहते हैं, सिंगिंग, ये अलग अलग आपको दिए गए हैं। तो ये आप फोटो ले लीजिए डिफरेंट एक्सरसाइज तक यहाँ तक, ताकि आप जब इस एक्सरसाइज को करें तो आपके पास ये आंसर शीट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और आप तेज़ी से फास्ट काम कर सकें। ये डिफरेंट एक्सरसाइज तक है। बिफुलिंग मतलब होता है मूर्ख बनाना किसी को, तो यू आर बिफुलिंग मी या यू वर बिफुलिंग मी या यू विल बी बिफुलिंग मी, तीनों टेंसेस में बात करने के लिए आपको मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इज़ एम आर वाज वर आप जानते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ कर देता हूँ और इन एग्जांपल को आपको करना है। आज के वीडियो में कुछ खास विशेष नहीं है टीचिंग आपकी, यही बताना हमारा मकसद था। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये देखिए एग्जांपल नंबर वन में क्या है, मैं खा रहा हूँ, खा रहा था, खा रहा हूँगा। इसका हेडलाइन नंबर वन आप लिखिए, हिंदी लिखिए, मैं खा रहा था और क्या बोलूँगे, खा रहा होऊंगा। ये पहले नंबर का एग्जांपल है, पहला वाला टेंस मैं खा रहा हूँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। मैं खा रहा था कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस है। मैं खा रहा हूँ कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। मैं खा रहा हूँ को क्या बोलोगे, आई के साथ एम लगता है, आई एम ईटिंग। अब आपको ध्यान होगा कि जब रहा है बोलते तो रहा है के लिए क्या बोलते हैं, इज एम आर। इज एम आर में से आपको आई के साथ एम इस्तेमाल करना है। अच्छा मैं खा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या बोलूँगा, आई वॉज ईटिंग। मतलब क्या बोला आपने, मैं खा रहा था। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था के साथ वॉज वर कहना है आपको। अच्छा फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या बोलेंगे, आई शैल बी ईटिंग है ना। आपको ध्यान होगा कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, तो यहाँ बताया गया रहा होगा के लिए विल बी शैल भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से पहला एग्जांपल आपका बना, इसी में दूसरे एग्जांपल, तीसरे, चौथे, पांचवे आप खुद बनाइए जिस तरीके से बताया गया। बस इसी पैटर्न में चलना है आपको, हेडलाइन नंबर लिखना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, शॉर्ट में ऐसा लिखना और इस तरीके से बनाइए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख रहा था, लिख रहा हूँगा। अब हेडलाइन नंबर टू दे दीजिए जब फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, तो सेकंड में आपका एक्सरसाइज नंबर सिक्स दिया है, आपने बोला कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला, लिख रहा था, फिर क्या बोला आपने, लिख रहा हूँगा। तो पहला वाला टेंस कौन सा है, दिस इज़ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दूसरा वाला कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो आपने क्या बोला, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम नॉट राइटिंग। आपको ध्यान आ गया होगा कि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता। इंटरगेटिव में क्या, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस में क्या जाएगा, आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होगा, आई शांट बी राइटिंग। तो डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग। अब देखिए वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉजेंट होता है, आप इसे वॉजेंट इस्तेमाल करिए, आई एम नॉट राइटिंग, आई वॉजेंट राइटिंग या आई शांट बी राइटिंग। तो जो भी एग्जाम्पल है, जैसे अफर्मेटिव में तो आप अफर्मेटिव में काम कर रहे हैं, निगेटिव बोल रहा है तो निगेटिव में ऊपर में हेड दिया गया, हिंट्स दिए गए आपको। देखिए आई एम नॉट बोली, वॉज नॉट बोली, शैल नॉट भी बोली, थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं मिस प्रिंट भी हो सकता है। एम आई, वॉज आई, शैल आई, ये इंटरगेटिव सेंटेंसेज है, ये इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज है। तो कोशिश ये की गई है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल कराया जाए जिससे आप जल्दी बेहतर करें। जैसे आई से एग्जाम्पल कराया गया, यू से एग्जाम्पल कराया गया, वी से कराया गया और दे से कराया गया, ये मेनली बहुवचन माने गए हैं। इस तरीके से ही से एग्जाम्पल कराया गया, सी से कराया गया और इट से एग्जाम्पल, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग जो प्रोनाउन नाउंस के लिए करते हैं, हम कभी और बात करेंगे इस बारे में, इनके मीनिंग आपको मालूम है। फिर आपको डिफरेंट एक्सरसाइज कराया गया, जहाँ सब्जेक्ट मैं आ रहा था, तुम आ रहा था, हम आ रहा था, वहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा, वहाँ आएगा लड़का। जैसे यहाँ देखिए लड़का, बच्चे, लड़के, प्रचारे, ये सब करने वाले कौन है, इस काम को लड़का कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ऐसे सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं सेंटेंसेस में, तो दैट मीन्स आप इसे अच्छे से करिए। आज के वीडियो में हमारा मेन मकसद यही था कि आपको ये बताया जाए कि भाई अब आपको करना क्या है। कंटीन्यूअस टेंस को फाइनली आपको समझा दिया गया है, अब इसमें इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आई होप कि आप इन चीज़ों को बेहतर समझ और सीख सकते हैं और अपनी कमियों
को दूर कर सकते हैं. दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बात कहना चाह रहा हूँ कि या तो पहले तो आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज करिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो, और अगर नहीं है तो आप ये जो दिखाए गए आज के वीडियो में आप इसे ओरल करिए, बोल कर करिए, लिख कर करिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ये आना चाहिए आपको, चाहे आप उसे लिख कर करें चाहे बोल कर करें, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव यू इंग्लिश एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स. आप बेनिफिट्स ले सकते हैं. इसके बाद भी बहुत कुछ सिखाने के लिए है, मच मोर वी हैव एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप सीख रहे हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फोर्थ कमिंग वीडियोज़. आने वाले वीडियोज़ के लिए मैं आपको पहले से जिस तरीके से व्हाट ऑल द बेस्ट कहता हूँ, ताकि आप अच्छे से सीखें और बेहतर करें. यही हमारा मेन मकसद है. आज के लिए इतना काफ़ी है. आई होप कि जस्ट ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो.